पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में अब जेल में बंद कैदी अपनी फरमाइश पर पसंदीदा गाने सुन सकेंगे। कैदियों की फरमाइश पर रेडियो के माध्यम से उनका मनोरंजन किया जा रहा है। जिला कारागार में रेडियो स्टेशन तैयार किया गया है, जहां हर दिन जेल में बंद कैदियों को पहले गुड मॉर्निंग बोला जाएगा और उसके बाद फरमाइश पर उन्हें गाने सुनाए जाएंगे। मुरादाबाद के वरिष्ठ जेल अधीक्षक पीपी सिंह ने बताया कि जिला कारागार में कैदियों के विकास के लिए और कैदियों को जुर्म की दुनिया से छुटकारा दिलाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मुरादाबाद में जेल प्रशासन कैदियों को अलग अलग प्रशिक्षण देकर उन्हें बदलने का काम कर रहा है। कैदियों में परिवर्तन आए और अपना जीवन अच्छा कर सके, उसके लिए जेल में सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे कि वो आगे चलकर जुर्म की दुनिया में फिर से कदम ना रखें और कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दे जिसकी वजह से उन्हें दोबारा जेल में आना पड़े। तो वहीं इसी के तहत मुरादाबाद की जेल में रेडियो स्टेशन तैयार किया गया है, जिस पर कोई भी कैदी अपना पसंदीदा गाना सुन सकता है। रेडियो स्टेशन बनाने का औचित्य जो है, बंदियों को उनकी रचनात्मकता को जो है आगे बढ़ाने के लिए है, और थोड़ा उनका मनोरंजन हो जाए और उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, जैसे कि कोई गाना गाना चाहता है, कोई वाद्य यंत्र बजाना चाहता है, तो रेडियो पे जैसे जैसे कार्यक्रम होते हैं वैसे उस जेल के अंदर भी उस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर सकता है। तो ये जेल में आए हुए जिन वजहों से वो जेल में आए हैं उससे थोड़ी सी दूरी उनको हो जाएगी और अपनी विधाओं को वो आगे प्रकट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, उस बंदियों का मनोरंजन कर सकते हैं और उनका भी समय अच्छी तरह से व्यतीत हो सकता है। तो क्या फीडबैक आ रहा है? इसमें तो बहुत अच्छा फीडबैक है। बहुत से हमारे यहाँ तो मतलब कि कई बंदी ऐसे हैं जो रेडियो स्टेशन का संचालन करने के लिए उत्सुक हैं और कैसे उनको कैसे प्रस्तुत करना है ये सब चीज़ें वो सीख रहे हैं। और आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि मुरादाबाद जेल में कई आरजे पैदा हो जाएंगे जो बाहर जाकर के आरजे की जॉब कर सकते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।